प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक के फिफ्थ चैप्टर दशहरा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें इस पार्ट को पढ़ना है, तो आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने इस पार्ट को पढ़ा था। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले पाठ को पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें करना है अभ्यास कार्य। इसमें हम करेंगे शब्द अर्थ। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द अर्थ दे रखे हैं वह बहुत कम है। जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने वहां पर बहुत सारे शब्द अर्थ किए थे, तो आप अपनी नोटबुक में उन शब्द अर्थ को नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, पहला शब्द अर्थ है उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है बच्चों खुशी या उमंग। पौराणिक, पुराण संबंधी। अपार का अर्थ होता है असीम। तेजस्विता, तेजस्वी होने का गुण। प्रदर्शन, दिखाना या दिखलाना। उद्घोष का अर्थ होता है घोषणा करना या ऊंची आवाज में कहना। कुकृत्य, बुरे कार्य। विसर्जन, समाप्ति या समापन। शमी वृक्ष होता है बच्चों खेजड़ी का वृक्ष। अब हम करेंगे उच्चारण के लिए। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें बोलकर देखना है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा जिससे कि आपको भी ये शब्द बोलने आ जाए। सबसे पहले है कुकृत्य। संपूर्ण, कुंभकर्ण, अयोध्या, व्रतासुर, सिद्धि, आकर्षण, युद्ध, दैत्य, तेजस्विता। तो बच्चों, आपको इस तरह से इन शब्दों को बोलना है। अब हमारे दो प्रश्न हैं जिनका हमें आंसर देना है। सोचे और बताए में। सबसे पहला प्रश्न है, नवरात्र के बाद दसवें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका उत्तर है, नवरात्र के बाद दसवें दिन विजयदशमी या दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? बच्चों, इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। अब बच्चों, हमें करने हैं खालिस्तान की पूर्ति। तो यहां पर हमें दो शब्द दिए होंगे, जो शब्द सही होगा हमने उसे खालिस्तान में लिखना है। अब हम लाइन को बोलकर देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले पाठ को पढ़ना है। अगर आपने पाठ पढ़ा हुआ होगा तो इनके आंसर भी आपको मालूम होंगे। ठीक है बच्चों, दशहरे से पहले 9 दिनों को क्या कहते हैं बच्चों, क्रिसमस या नवरात्र? बच्चों, नवरात्र कहते हैं। तो दशहरे के पहले 9 दिनों को नवरात्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड है, राजा इंद्र ने नाम के दैत्य को मारा था, एक राक्षस को मारा था, तो हमें उस राक्षस का नाम बताना है। उसका नाम है व्रतासुर। तीसरा है, इस दिन किस पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है? नीलकंठ को। पक्षी का नाम है नीलकंठ। बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर को हमें ब्रैकेट में लिखना है। हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। अगर ए सही होगा तो हम ब्रैकेट में ए लिखेंगे, बे सही होगा तो बे लिखेंगे। तो अब हम बोल रहे हैं क्वेश्चन, दशहरा मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में, श्रावण माह में, आश्विन माह में या ज्येष्ठ माह में? तो बच्चों, इसका आंसर है स, आश्विन माह में। तो दशहरा आश्विन माह में मनाया जाता है। दूसरा है, शस्त्र पूजा होती है दीपावली के दिन, ईद के दिन, क्रिसमस के दिन या दशहरे के दिन? तो इसका आंसर है बच्चों द, दशहरे के दिन
शस्त्र पूजा की जाती है। तो बच्चों हमारा प्रश्न है, बच्चों सामने लिखा हुआ है, दो प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है। हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो हमारे देश के प्रमुख त्योहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। अगला प्रश्न है, दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर है, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसी उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। तो बच्चों आप जो ये क्वेश्चन के आंसर है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। अगला क्वेश्चन है, दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे को विजयदशमी क्यों कहते हैं? भगवान राम ने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजय की आराधना की थी। भगवती की कृपा से दुष्ट रावण पर राम ने विजय पाई थी, इसीलिए दशहरे को विजयदशमी कहते हैं। बच्चों अब हम करेंगे भाषा की बात, तो आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा, जिससे कि हम बुक वर्क साथ साथ कर सकें। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, पाठ में न्याय शब्द आया है, इसमें ए जोड़कर अन्याय शब्द बनता है। अगर हम न्याय के पहले ए लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा अन्याय, ठीक है। ऐसे ही हमें नीचे 3 शब्द दिए हुए हैं, इनके आगे हमने अ लगाना है। जैसे ही हम ए लगाएंगे तो उसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा, ठीक है। अब हमें सत्य के आगे ए लगाना है तो हो जाएगा हमारा असत्य। तो सत्य का अर्थ होता है बच्चों सच बोलना, और असत्य का अर्थ होता है झूठ बोलना। तो देखो बच्चों इसका अर्थ बदल गया ना, ये विलोम शब्द हो गया है इसका, हमने उपसर्ग लगाया है ए। अब हम धर्म के आगे लगाएंगे अ, तो बन जाएगा अधर्म। प्रसन्न, अप्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होना और अप्रसन्न का अर्थ होता है दुखी होना। तो बच्चों आपको इस तरह से अपनी बुक में फिल करना है। अब हम करेंगे बच्चों लिंग। पाठ में राजा तथा देवता जैसे शब्द आए हैं। राजा तथा देवता शब्द दोनों ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में हमें लिखना है। जैसे राजा है वो है पुल्लिंग, तो हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है। राजा का स्त्रीलिंग होता है बच्चों रानी, ठीक है। अब हमें शेर का बनाना है स्त्रीलिंग, शेर का होगा बच्चों शेरनी, ठीक है। मेल फीमेल होते हैं। देवता का क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा आप भी बताइए। देवता का होगा बच्चों देवी, पिता का माता, जैसे आपके पापा हैं तो पापा को आप पापा बोलते हो, और उनका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा मम्मी, ठीक है, माता जी। पुत्र का पुत्री, भाई का बहिन। तो ये हमने लिंग बदलो किए। अब आपको बताना है बच्चों कि आपके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की एक सूची बनानी है आपको, तथा इनको कब मनाया जाता है वो हमें तिथि भी बतानी है। तो बच्चों अगर आपके यहाँ कोई और त्योहार मनाया जाता होगा तो आप उसे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको कुछ त्योहारों के नाम बता रही हूँ और वो कब मनाए जाते हैं वो भी बता रही हूँ। सबसे पहले है बच्चों होली, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में सुंदर सी सारणी बनाकर इस तरह से लिख सकते हैं। अब होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, ठीक
तो हम त्योहार का नाम भी लिख रहे हैं और ये किस तिथि को मनाया जाता है वो भी हम लिख रहे हैं। दूसरा है बच्चों दीपावली। तो बच्चों नेक्स्ट मंथ दीपावली आने वाली है, ये मनाई जाती है बच्चों कार्तिक मास की अमावस्या को। नेक्स्ट है बच्चों रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। श्रावण मास की पूर्णिमा। तो बच्चों आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी ग्रामर का पोर्शन आता है तो उसमें ऐसे पूछे जाते हैं तो तब बताना पड़ता है हमें कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है दशहरा, जो कि हमने इस पाठ में पढ़ लिया है। दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को। नेक्स्ट है बच्चों गणगौर। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। और क्रिसमस मनाई जाती है बच्चों 25 दिसंबर को। अगर आपको कोई और त्योहार का नाम याद हो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो बच्चों हमने ये सारणी बना ली है। एक क्वेश्चन है बच्चों कि आपके यहाँ कौन सा मेला लगता है? तो बच्चों मुझे तो मालूम नहीं है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कौन सा मेला लगता है। तो अगर आपको पता है तो आपको उसका वर्णन अपने शब्दों में करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज हमने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर को रीड किया था, आप दोनों वीडियोस देखिएगा जिससे कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। थैंक यू।